और 9 सेकंड न्यूज में अब बदलते मौसम से जुड़ी कुछ खबरें। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लगातार 3 दिनों से भारी बरसात का दौर जारी। बारिश की वजह से 3 से 4 फीट तक शहर में भरा पानी, लोगों का जल भराव में जीना मुश्किल हुआ। ट्रेनों में फंसे 500 से ज्यादा यात्री। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में मकानों की छत पर दिखाई दिए लोग, सैकड़ों घर जलमग्न। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान जारी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हवाई सेवा के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। श्री वेंकुटम रेलवे स्टेशन पर फंसे थे करीब 800 लोग। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में बाढ़ के हालात। भारतीय तटरक्षकों की मदद से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। भारतीय तटरक्षक बल की 6 टीमें तैनात। तमिलनाडु के एंथनीपुरम में बरसात के चलते ब्रिज गिरा। थूथुकुड़ी में मदुरई हाईवे पर हुआ हादसा। बरसात की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, आवाजाही ठप। मौके पर पहुंची जेसीबी। तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर से लिफ्ट किए जा रहे बाढ़ में फंसे लोग। एक गर्भवती महिला के साथ 4 लोगों का किया गया रेस्क्यू। लोगों को बचाने में जुटी सेना। राज्यपाल ने क्रिसमस के जश्न को रद्द किया। तमिलनाडु के कई हिस्सों में बरसात से आई बाढ़। तिरुनेलवेली में बरसात की वजह से उफान पर बरसाती नदियां और झरने। लोगों को दी गई किनारे से दूर रहने की सलाह। 48 घंटों से लगातार कहर बरपा रही है बारिश। मेरठ में शीतलहर का प्रकोप। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के पास बने रैन बसेरे हुए फुल। नगर आयुक्त अमित पाल ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 9 सेकंड न्यूज में विदेश और खेल से जुड़ी खबरों की बात करेंगे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 24 करोड़ 75 लाख मिचेल स्टार्क को खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। आईपीएल में दूसरे महंगे खिलाड़ी है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बेस प्राइस था 2 करोड़। दुबई में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा। अल्जारी जोसेफ की लगी 11 करोड़ 50 लाख रुपए की बोली। आरसीबी के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे अल्जारी जोसेफ। न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑलराउंडर डेरिल मिचेल को चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा। आईपीएल नीलामी में 14 करोड़ रुपए में डेरिल मिचेल को अपने साथ जोड़ा गया। 2022 में राजस्थान रॉयल्स के साथ थे मिचेल। आईपीएल 2024 में समीर रिजवी की एंट्री। चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी को 8 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। यूपी के मेरठ के रहने वाले हैं समीर। समीर रिजवी का बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। समीर रिजवी के आईपीएल में शामिल होने पर परिवार में खुशी का माहौल है। मिठाई खिलाने दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। घर में जश्न में डूबे हुए हैं परिजन। समीर के घर में बधाई देने वालों का तांता। घर और गांव में खुशी का माहौल। समीर रिजवी से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। बोले, 50% सपना पूरा हुआ। खुद से सच बोलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। यूपी लीग में कानपुर टीम की ओर से खेलते हुए 10 मैच में बनाए थे 455 रन। समीर रिजवी के फैंस में भारी उत्साह। मेरठ में लोगों ने नाच गाकर जाहिर की खुशी। लोग बोले, समीर ने रोशन किया मेरठ का नाम। यूपी लीग में कानपुर की टीम से खेलते हुए उन्होंने 10 मैच में बनाए थे 455 रन। मेरठ में समीर रिजवी के बुलंदियों पर पहुंचने में सबसे बड़ा योगदान कोच तनकीब अख्तर का है। समीर रिजवी के कोच रिश्ते में उनके मामा हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल की उम्र में समीर ने उठाया था बल्ला। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रयागराज के क्रिकेटर यश दयाल की आईपीएल में एंट्री। 5 करोड़ की बोली लगाकर यश दयाल को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।